वेलकम टू फैल्कन फिन गाइस। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कौन से फैक्टर्स को एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इन्वेस्टमेंट में क्या क्या टाइप के रिस्क आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ एक बार आप है ना चैनल विजिट कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी फाइनेंस की वीडियोस बनाई गई है जो आपके नॉलेज को इन्हांस कर सकती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर वीडियो में आप देखेंगे अलग 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 इन्वेस्टमेंट की वैरायटी, आपको रिस्क की वैरायटी दिखेगी। यहाँ पे हम पांच डिफरेंट रिस्क को कंसिडर करके उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। नंबर वन है इन्फ्लेशन रिस्क, दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा है क्रेडिट रिस्क, चौथा है मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क, उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आइए एग्जांपल के थ्रू वन बाय वन सभी को समझते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन रिस्क? मैं जब भी क्लाइंट से बात करता हूँ सो आई ऑलवेज आस्क देम वन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि इफ़ आई गिव यू 10,000 रुपीज़ एंड टेल यू टू बाय ग्रोसरीज़, आप जाके 10,000 रुपये में सामान लेके आ गए, अगले साल में अगेन आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा, आप उतना ही सामान लेके आप आओगे क्या? दे ऑलवेज सेज नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में ही उनका आंसर आ गया, वो बोलेंगे महंगाई बढ़ जाएगी, तो दैट महंगाई इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन रिस्क। मतलब अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ 6% या 7% के रेट से और मेरी महंगाई बढ़ रही है 7 या 8% के रेट से, तो मेरा पैसा तो ऑलरेडी माइनस में ही जा रहा है। सो दिस इज़ इन्फ्लेशन रिस्क। अभी ये इन्फ्लेशन किस तरीके से अपने को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है मैं आपको दिखाता हूँ। 10,000 रुपये आज का वैल्यू है, 8% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 5 साल बाद उसी चीज़ के लिए 14,600 रुपये देने पड़ेंगे, 10 साल बाद 21,500 और 30 साल के बाद 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, 10 गुना बढ़ गया। सो दिस इज़ इन्फ्लेशन रिस्क। तो अपने को इन्फ्लेशन बीटिंग वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का हमने पहले भी देखा था, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट क्लास होते हैं ना जो सेफ होते हैं, इन्फ्लेशन को बीट भी करते हैं बट लिक्विड नहीं कर पाते, लिक्विड इन द सेंस हम उसको बीच में विड्रॉ नहीं कर पाते। अभी हम FD कर दिए, FD अपने को पैसा तो तुरंत मिल जाता है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, बट वहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, अब रियल इस्टेट का फंडा ऐसा है जब आपको बेचना पड़ेगा तो बेचने के टाइम पे हम तुरंत उसको बेच भी नहीं पाएंगे, महीना, 2 महीना 3 महीना, सम केसेस में 4 महीना 6 महीना 1 साल भी लग जाता है। तो हमें ये एक रिस्क हमेशा देखने के लिए आता है। तो लिक्विडिटी में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट अपने को थोड़ा अच्छा पड़ता है, म्यूचुअल फंड अच्छा पड़ता है, गोल्ड अच्छा पड़ेगा, बॉन्ड्स, PPF, रियल इस्टेट ये थोड़े से टफ जाते हैं लिक्विड के मामले में। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में कैसा हो जाता है ना, ये जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो, डिफ़ॉल्ट रिस्क जो हमने बात की थी। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, तीन चीज़ें होती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, द इश्यूअर ऑनर्स ऑल कमिटमेंट इन टाइम। मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने आपको कहा मैं आपको इतने इतने टाइम पर इतना इतना रुपये दे दूँगा, अब फंडा ऐसा है मैंने सारा कमिटमेंट टाइम पर कर दिया तो कोई इशू की बात नहीं है। बंदे ने पैसे दिए बट डिले करके दिए, और बंदे ने ना पैसे ही दिए ना ही इंटरेस्ट ही दिया, तो फर्स्ट केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी के दोनों जो केसेस हैं वो केसेस में क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होता है, मतलब वहाँ पे अपने को डिफ़ॉल्ट का रिस्क देखना पड़ता है। अब ये डिफ़ॉल्ट रिस्क होता क्या है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एबिलिटी ऑफ द बोरोवर, इंटेंशन ऑफ द बोरोवर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई XYZ कंपनी है, इसने आपको डिबेंचर्स इशू किए और बोले मैं आपको 10% के हिसाब से पैसा हर साल दूंगा और 10वें साल पे आपका पैसा 1,00,000 रुपये रिटर्न कर दूंगा, तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 1,00,000 इन्वेस्ट किए, हर साल 10,000 मिलेगा और 10वें साल पे 1,10,000 पूरा मिल जाएगा, 4 साल के बाद ना कंपनी ने पैसा ही नहीं दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट रिस्क, मतलब क्रेडिट रिस्क। तो कभी भी इन्वेस्ट करते टाइम पे अपने को ये चीज़ चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, पैसे लौटाने की कैपेसिटी कितनी है और उनका इंटेंशन कैसा है। सो ये हो गया एक। आइए नेक्स्ट, मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे तो मेजरली सबसे जो मेन टॉपिक आएगा वो आएगा स्टॉक मार्केट। हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, वॉर लाइक सिचुएशन आ गई तो प्राइस डाउन हो जाएगी, इकोनॉमी में कोई गड़बड़ी आई प्राइस डाउन हो जाएगी, कॉम्पिटिटर में कोई चेंजेस आ गए प्राइस डाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज अपने फेवर में नहीं है प्राइस डाउन हो जाएगा। तो ये जो प्राइस की अप एंड डाउन लगी रहती है ना, इसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क।
तो ये रहा एकदम सिंपल सा टॉपिक। तो जो हम टाइटल सुनते हैं म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो इसी मार्केट रिस्क की बात होती है। जिसकी प्राइस अप एंड डाउन होती है उसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क और प्राइस रिस्क। अब यहाँ पे रियल इस्टेट आ गया, गोल्ड भी आ गया, स्टॉक मार्केट भी आ गया, म्यूचुअल फंड भी आ गया। देखते हैं हमारा लास्ट टाइप। अभी लास्ट टाइप की तरफ बढ़ने के पहले आप लोगों को अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज़ वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और प्लेलिस्ट में आपके लिए ढेर सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। अभी देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किए हैं 8% के रेट से, लेकिन मार्केट में वही सेम डिबेंचर्स या फिर मार्केट में कोई अदर प्रोडक्ट सिमिलर लाइक डिबेंचर 9% का रेट दे रहा है। तो फंडा क्या है ना, ये जो 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में 9% का रेट मिलने लग गया तो इसका प्राइस ना डिस्काउंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? आपके पास में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, मार्केट में उसके ऊपर 9% मिल रहा है, तो वो चीज़ 1,000 रुपये में कोई क्यों खरीदेगा? तो उसका प्राइस हो जाएगा 900-950। अब वही 8% के रेट पर 900-950 का रेट चल रहा है। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया और वैसा कोई प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मेरे प्रोडक्ट में तो 8% मिल रहा है। तो मेरा प्रोडक्ट है ना महंगे रेट पे बिकेगा, तो ये 1,000 रुपये की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1,050 या 1,100 रुपये। तो हमने फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है, बट वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट की चेंजेस हो रही है इकोनॉमी में या हमारे कंट्री में, उसके वजह से हमारा फिक्स इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट पे भी प्रीमियम और डिस्काउंट का फ़र्क पड़ता है और ये प्राइस अप एंड डाउन होती है। ये काफ़ी कम लोगों को समझ में आता है। तो ओवरऑल हमने देखा 5 टाइप के रिस्क। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन रिस्क से बचने के लिए हमें कौन सी स्ट्रैटेजी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन पिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।